हेलो दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होगे और फैंसी हैंड व्लॉग में आप सबका वेलकम करता हूँ। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों वो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। तो दोस्तों आज के व्लॉग में एक और मज़े की एंट्री होने वाली है। पिछले व्लॉग में आपने देखा माशाल्लाह से हम अपने सेटअप पर ब्लैक हैवी बफ लाए हैं, बहुत प्यारा दोस्तों मेल है। और मैंने आप दोस्तों से पूछा भी था कि कमेंट्स में आप बताएं, तो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने ये बोला कि भाई आप लाएंगे सिरामा ब्रीड, काफ़ी ने बोला पॉलिश हैंड लाएंगे। तो दोस्तों व्लॉग को आखिर तक देखिएगा तभी आप जान पाएंगे मैं कौन सी ब्रीड लाया हूँ। माशाल्लाह से एक नहीं दो नहीं ट्रायो सेट लेके आया हूँ। तो दोस्तों बहुत मज़े की क्वालिटी है, आप आखिर तक व्लॉग देखेंगे तभी आप जान पाएंगे। तो दोस्तों माशाल्लाह से हमारी सिल्की ने दोस्तों आज सुबह के टाइम पर अंडा दिया है। मैंने सुबह के टाइम पर वहाँ से अंडा एक उठाया था और अंडा जाके दोस्तों नीचे रख लिया था, क्योंकि सिल्की का दोस्तों ज़्यादातर अब जो रुझान है वो वहाँ पर होता है, उसी कपड़े के पास ये अंडा भी देती है और पूरा दिन दोस्तों ये वहाँ पर ही बैठी रहती है। मतलब मेल इसको वहाँ पर बुलाता है तो वहाँ पर जाती आती है और ज़्यादातर मतलब वहाँ पर रहती है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हमारे माशाल्लाह से जो टर्की बर्ड्स हैं इनसे हमारे सिल्की थोड़े से दोस्तों घबराते हैं। तो दोस्तों ये जो न्यू फीमेल्स आई हैं माशाल्लाह से, हमारी जो फीमेल थोड़ी सी दोस्तों टांग पे उसकी लगी थी माशाल्लाह वो भी ठीक हो गई है, और इन फीमेल से हमारे सिल्की थोड़े से घबराते हैं इसलिए उन्होंने वो ठंडी जगह पकड़ ली है। बाकी हमारी गोल्डियन भी माशाल्लाह से अंडे दे रही है, हमारी रानी। तो दोस्तों इस पर मैं गिला भी नहीं करूँगा कि ये अंडे दे ना दे, मतलब इसने अपनी लाइफ पूरी गुजार ली है, तो चलें ठीक है माशाल्लाह से सेटअप पर एक मतलब बुज़ुर्ग भी होना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारी रानी हमारे सेटअप की बुज़ुर्ग ही समझ लें। बाकी माशाल्लाह से हमारे टर्की और अनकरीब दोस्तों ये भी मतलब अंडों पे लग जाएंगी जब हमारी मतलब ये फीमेल तकरीबन दो मंथ बाद दोस्तों ये हमारी तैयार हो जाएंगी मादियाँ। तो वो देखें अंदर आपको दोस्तों हमारी ये अंडा जो है, मतलब मैं गेस करूंगा ये मुझे अंडा लग रहा है हमारी हैरी का, क्योंकि शेरनी ने सुबह के टाइम पे अंडा दिया। सुबह मैं दो अंडे लेके गया हूँ, एक हमारा सिल्की का अंडा लेके गया हूँ और एक हमारा दोस्तों यहाँ पे शेरनी का अंडा था। ये हमारी हैरी का अंडा है, इस कलर का हैरी का अंडा होता है। तो वो देखें अंडे को दोस्तों, बड़ी ही अच्छी बात है कि ये अंडे को बिल्कुल भी कुछ नहीं कहते। मतलब कुछ बर्ड्स होते हैं कि ऊपर चोंच वगैरह लगा देते हैं जो कि दोस्तों अंडा ख़राब हो जाता है, लेकिन ये अंडा देकर बिल्कुल भी अंडे को कुछ नहीं कहते। मैंने दिन को इनके आगे थोड़ी सी पालक वगैरह डाली थी, माशाल्लाह से हमारे हीरा और हमारी शेरनी हैरी ने पालक वगैरह खाई है। बाकी ये देखें गली में हमारे ब्लैक टेल जैपनीज़ का दोस्तों छोटा मेल जो कि फुल अजाने देता है माशाल्लाह। सुबह सुबह इसकी अजानों की आवाज़ किसी दिन आपको ज़रूर सुनवाऊंगा। तो बाकी आगे हमारी इंक पॉट खड़ी हुई है मोल्टेड बेंटम की, साथ हमारी टिंची भी दोस्तों हमारे, क्योंकि पेयर साथ होता है, और ये टूटू भाई भी आगे फ्रंट पर, ये पूरा एक ग्रुप दोस्तों साथ साथ रहता है और ज़्यादातर इनका ठिकाना ये वाली गली होती है, क्योंकि इस गली में इनको सुकून मिलता है, ठंडक है, ये वाला पिंजरा लोहे वाला थोड़ा ठंडा होता है। तो माशाल्लाह से हमारी रैबिट की दोस्तों जो फीमेल है ये भी फुल दोस्तों तैयार है। इसके आगे मैंने पालक, दिन को पालक डालता हूँ शाम को, क्योंकि एक दोस्त भाई ने मुझे ये बोला है कि भाई आप इसके आगे फीड बिल्कुल भी मत डालिएगा क्योंकि रैबिट फीड से एक्सपायर होते हैं। तो दोस्तों मैंने इसके आगे फीड ज़रा भी नहीं डाली, थोड़ी सी शुरू में डाली थी, लेकिन आप दोस्तों के कमेंट्स सुनकर मैंने इसको दोस्तों फ़ौरन ही इसके आगे से फीड हटाई है, क्योंकि मैं भी डर गया कहीं ये फीड की वजह से दोस्तों एक्सपायर तो नहीं होते। तो मैंने अभी इनको बिल्कुल नेचुरल देता हूँ, मतलब कभी वाइट चावल उबाल के दे रहा हूँ, कभी दोस्तों वो देखें पीछे प्लेट में पूरा हमने यहाँ पे आपको बताता हूँ, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह फीमेल को थोड़ा सा उस तरफ करते हैं और बहुत फूली हुई है दोस्तों इसका पेट, और पालक वगैरह आगे रखी है, पानी अभी शाम को दोबारा से चेंज कर दूँगा। तो दोस्तों इसको आखिरी दिनों में जब कन्फर्म हो गया कि हमारी ये वाली फ़ीमेल मुकम्मल मतलब प्रेगनेंट है, तो दोस्तों इसके लिए नेस्टिंग बना देंगे ताकि ये उसी में दोस्तों अपने मतलब बच्चे जो डिलीवरी करेगी तो माशाल्लाह से क्यूट क्यूट बनीज आएंगे। और ये भी आप दोस्तों बताइएगा कमेंट्स में कि ये कितने बनीज मतलब अंदाजन दे देते हैं, क्योंकि ये बड़े साइज़ की फ़ीमेल है, मुझे लग रहा है 3-4 बनीज तो दोस्तों देगी देगी, बाकी मुझे कन्फर्म नहीं है कि रैबिट कितने बनीज मतलब डिलीवर करते हैं। तो दोस्तों अब इसका कैच बंद करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये अंदर रहेगी तभी इसको सुकून मिलेगा और अंदर खाती पीती है। तो दोस्तों इस कैच की आज शाम को हम सारे कैचेस की सफाई भी करेंगे, तो सारे मतलब नीचे बेडिंग वगैरह फैला देंगे ताकि अंदर ही नीचे हमारी बेडिंग साफ़ सुथरी हो जाए और हमारे बर्ड्स को कुछ ना हो। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे जो ये वाली ब्लैक बेंटम फीमेल है ये आजकल दोस्तों रुकी हुई है, पेयर लगा रही है, मेटिंग कर रही है, लेकिन अंडे अभी नहीं दे रही, मतलब 3-4 दिन का गैप लेगी, उसके बाद ये अपने अंडों पर स्टार्ट हो जाएगी। तो ये फीमेल काफ़ी अर्से मतलब नीचे इसने 2-3 अंडे दिए थे, उसके बाद ये स्टॉप इसने लगाया हुआ है, और मतलब फाइनल जो इसका इंक पॉट एग बेबी है और जो हमारा स्नोई है वो बच्चे एक पेयर इसने हमें दिया है, उसके बाद इसने दोस्तों अंडे थोड़ी ब्रेक लगा दी है। तो दोस्तों
सेटअप पे जो न्यू एंट्री आई है, मैंने हालांकि सुबह ला के खुले छोड़े थे तो अभी मुझे नज़र नहीं आ रहे। आप दोस्त भी मेरे साथ आइएगा, उनको भी ढूंढते हैं। ये देखें हमारा टर्की का जो राजा महल है, ये टर्की में सबसे बड़ा महल माशाल्लाह से ये है हमारा। और जब सुबह इसको निकालते हैं, इसकी डांसिंग कमाल की होती है दोस्तों। किसी दिन आपको सुबह सुबह इंशाल्लाह व्लॉग बनाएंगे तो सुबह आपको ज़रूर इसकी दोस्तों डांसिंग दिखाऊंगा जी। तो दोस्तों हमारी जो न्यू एंट्री है वो मैंने मतलब बड़े कैज में यहाँ पर छोड़ी है, तो पूरा दिन वो भी दोस्तों खुले ही घूमते हैं। कल शाम को हमारे सेटअप पर न्यू एंट्री आई है। तो दोस्तों न्यू एंट्री में हमने लाई है माशाल्लाह से ब्लैक कलर का पॉलिश का सेट लाया है, और इसको भी अंदर करते हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों ये मतलब पूरा दिन इसी केज में इनका ठिकाना यहाँ पे ज़्यादा बना हुआ है, क्योंकि दोस्तों ये बाहर वाले जो बर्ड्स हैं टर्की से थोड़ा बहुत ये घबराते हैं। हमारे ब्लैक पॉलिश हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी में दोस्तों। इसमें एक मेल है और दो फीमेल हैं, और मुझे ये कन्फर्म नहीं है कि मेल कौन सा है दोस्तों आपके सामने है, मतलब कि ये जो सबसे फर्स्ट वाला है या मिड वाला है या दोस्तों जो नीचे हुआ हुआ है, तो कौन सा होगा। मतलब 1, 2, 3 फर्स्ट वाले को मैं 1 बोलूँगा, दरमियान में जो हमें देख रहा है वो सेकंड है, और जो नीचे नज़र नहीं आ रहा वो थर्ड है। तो दोस्तों लाजमी बताइएगा, थोड़ा सा हिलाता हूँ ताकि आपको तीनों नज़र आ जाएं। ये देखें कि इनमें मेल कौन सा है, फीमेल कौन सी है। दो फीमेल हैं और एक मेल, मतलब मैंने ट्रायो सेट लाया है, लेकिन दोस्तों मैं ला कर भूल चुका हूँ कि इनमें मेल कौन सा था। तो मुझे बिल्कुल भी कन्फर्म नहीं हो पा रहा कि मेल है कौन सा, क्योंकि तीनों की शक्लें एक जैसी हैं, तीनों ही 5 मंथ प्लस हैं, मतलब 5.5 मंथ या इस तरह के हैं। तो मुझे जहाँ तक दोस्तों शक लग रहा है, ये जो बैक पे खड़ा हुआ है लंबे साइज़ का, ये मेल है, और आगे जो दो हैं दोस्तों ये फीमेल लग रही हैं। मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है क्योंकि ये साइज़ में काफ़ी बड़ा है पिछला, और अगले दो का मतलब क्रस्ट भी आप सर पर देखें वो फीमेल फीमेल, उनकी जान भी थोड़ी बॉडी स्ट्रक्चर पतला पतला सा है। जो खड़ा हुआ पीछे ये मेल लग रहा है, देखें हमें देख रहा कैसे माशाल्लाह से। इनकी तो चोंच भी ब्लैक है और आइज़ ब्लैक हैं और क्रस्ट, और मतलब एक पर ऐसा नहीं है कि हम कह सकें ये मतलब मिक्स हैं, लेकिन माशाल्लाह से ट्रायो सेट हमारा। आप ये भी बताइएगा एज कितनी है, मुझे तो ये 5 मंथ बताया गया है। बाकी आप दोस्त बताएं कि इनकी एज क्या है। आवाज़ें इनकी दोस्तों मुर्गियों वाली करा करा की अब होने लग गई हैं, और तीनों एक दूसरे के बगैर बिल्कुल भी नहीं रहते। तो दोस्तों इनके नाम मैं ये रखना चाहता हूँ, अगर आप दोस्त मुझे कहें तो अल्फा ब्रावो चार्ली, क्योंकि आपको याद होगा हमारे सेटअप पे पहले भी थे जो ब्रामा के चिक्स थे वो एक्सपायर हो गए थे। तो दोस्तों उनकी याद में हम इनका नाम अल्फा ब्रावो चार्ली, एक टीम है मतलब ब्लैक कलर की हमारी, या हम ब्लैक स्कॉर्पियन टीम रख देते हैं, या दोस्तों अल्फा ब्रावो चार्ली कैसा रहेगा। तो लाजमी मुझे बताइएगा इनके नाम ये आपको कैसे लगे, अल्फा ब्रावो चार्ली तो दोस्तों इनके नाम रखेंगे। बाकी माशाल्लाह से दोस्तों इनको अब हम आज़ाद ही छोड़ते हैं, और थोड़ा सा बाहर बुलाऊँगा अगर आ सके तो जी। तो दोस्तों हमारे जो अल्फा ब्रावो चार्ली ब्लैक पॉलिश है वो देखें, इन्होंने अपना न्यू घर यहाँ पे बनाया हुआ है, और पूरा दिन मैंने आज इनको नोट किया कि ये वहाँ पिंजरे से निकलते हैं और यहाँ पे ग्रीन जाली क्रेट के दरमियान में एक जगह सी है, ठंडी सी जगह सी है दोस्तों, वहाँ पे नीचे चले जाते हैं। और देखने में इनकी आंखें तक नज़र नहीं आ रही, क्योंकि काला काला रंग है, बिल्कुल काला है, और एक डॉट भी नहीं है, कोई शाइन नहीं है, मतलब फुल ब्लैक है। और माशाल्लाह माशाल्लाह, और टूटू भाई से भी ये डरते हैं, क्योंकि टूटू भाई बहुत छोटा है, हालाँकि ये इतने बड़े हैं, लेकिन दोस्तों इनके अंदर डर बहुत ही ज़्यादा है और मुझे देख के इतने ज़्यादा घबराते हैं। और ये देखिए हमारा टूटू भाई तो इनके दोस्तों पीछे ही पीछे होता है, सारा दिन इनको भगाता रहता है। हालांकि छोटा सा है लेकिन इसकी शरारत बहुत ही ज़्यादा है, और माशाल्लाह से आपको याद होगा ये हैंड टैम था दोस्तों, लेकिन अब इसकी हैंड टैम वाली आते हैं तो चली गई हैं, और बहुत चलाक और बहुत मतलब शरारती बन चुका है। तो देखिए हमारी जर्मन ब्यूटी की फ़ीमेल माशाल्लाह से अब इसकी क्वालिटी बहुत खूबसूरत हो गई है, और कलर भी बड़े प्यारे प्यारे निकले हैं। तो वो देखिए अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे ये ब्लैक पॉलिश का जो दोस्तों ट्रायो सेट है, ये उन्हीं मुर्गियों से घुल मिल जाएगा, और फिर इसे टर्की बर्ड्स भी कुछ नहीं कहेंगे। अभी तो टर्की बर्ड्स माशाल्लाह से देखें पीछे पीछे जाएंगे, और वो फ़ौरन भाग के वो देखें आवाज़ें निकालते हुए अंदर चले गए। माशाल्लाह माशाल्लाह आवाज़ें दोस्तों कितनी प्यारी आवाज़ें आ रही हैं। और ये देखें टर्की की फ़ीमेल, ये पूरा दिन अब इसकी ये शरारतें हैं कि ये यहाँ पर ऊपर आती है, फिर छलांगें लगाएगी, नीचे आएगी। और ये इनका ये है कि ये हैंड टैम फीमेल है माशाल्लाह से, इधर आ जाए देखिए कुछ भी नहीं कहती, हाथ लगाएं फिर भी इन्हें कोई महसूस ही नहीं होता कि मुझे ये पकड़ रहे हैं, मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो नहीं दोस्तों ये देखें यहाँ पे आपको बताता चलूं कि जर्मन ब्यूटी यहाँ पे कल रात को मैंने इनके एग्स की कैंडलिंग की थी, जो यहाँ पे हमने गुब्बारे के अंडे इनको दोस्तों दिए थे, तो वो अंडे दोनों मतलब फर्टाइल नहीं थे, और अंडों में मतलब जर्दी इधर उधर हिल रही थी, पानी बना हुआ था। तो मैंने दोस्तों सोचा क्यों ना ये इन्होंने काफ़ी दिन गुजार दिए, तो अंडे मैंने फेंक दिए, क्योंकि अंडे बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं थे। और माशाल्लाह से लके पिजन हमारे दोबारा से रेडी हो रहे हैं, मतलब ईंटों के अंदर बैठने लग गए हैं, और जल्द ही इनकी ब्रीड हमारे पास आ जाएगी, और हमारा जो वो उसका दोस्तों लका है, ये देखें माशाल्लाह से ये सारे हमने जो पट्टे हैं इधर बंद किए हुए थे आज दिन को दोस्तों निकाले हैं, सिर्फ इसको अंदर रखते हैं क्योंकि ये मतलब फैंसी है, ये ज़्यादा इसको बाहर निकालता हूँ तो ये डांसिंग करने लग जाता है, और इधर उधर मुझे डर होता है शेड से नीचे ही ना गिर जाए। तो ये देखें फ़ीमेल माशाल्लाह से चेक कर लेता हूँ कि ये वो फ़ीमेल है जिसको मतलब लगी थी, यही है दोस्तों अब माशाल्लाह से, माशाल्लाह बहुत प्यारी, और आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों हेल्दी भी हो रही है, क्योंकि शुरू में आई थी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, लेकिन
अब माशाल्लाह से चलाक बहुत ज़्यादा है। जब भी मैं कुछ खाने का लाता हूँ तो सबसे फ्रंट पे दोस्तों यही वाली फ़ीमेल होती है, बहुत चलाक और बहुत होशियार फ़ीमेल है। तो इनका अंडा भी निकाल ही देता हूँ दोस्तों, क्योंकि अंडा अगर हमने ये ना हो, अंडा पहले तो दोस्तों टूटा नहीं है, अब हम जब आपके सामने निकाल रहे हैं तो कहीं अंडा टूट ही ना जाए। अंडा मैं इनका आराम से उठा लेता हूँ और माशाल्लाह से हमारी फ़ीमेल, और ये देखिए दोस्तों एक अंडा उठाने का अपना ही मज़ा होता है। जब हम और कोई भी मतलब बर्ड्स लवर परिंदे रखता है तो दोस्तों उसके पास मतलब अंडे देते हैं बर्ड्स, बचपन से पालता है, ट्रायोसेट पालता है या कुछ भी, तो वो बहुत खुशी होती है। इसी तरह आप दोस्तों को भी ये अंडे देख के खुशी हो रही होगी कि हमारी हैरी और शेरी के हमारे हीरा से अंडे आने लग गए हैं। तो दोस्तों यकीनन आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आएगा। और ये देखें हमारे ब्लैक पॉलिश का सेट, अब पूरा दिन छत पर जायज़ा वगैरह लेगा, बहुत प्यारा है दोस्तों। इनके नाम तो मैंने खुद ही रख दिए, अल्फा ब्रावो चार्ली। अगर आप दोस्त भी कोई नाम रखना चाहते हैं कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में न्यू टॉपिक के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाल बटन को प्रेस कर लें। अल्लाह हाफिज़।